दोस्तों कैसे है? आशा करता हूँ स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और हम दोनों बॉम्बे के लिए निकल चुके हैं और आप सोच रहे होंगे कि यार बाइक से जा रहे, देखिए हमारे पास बाइक है। लेकिन आपको बता दूँ, हम बाइक से नहीं जा रहे, आगे गाड़ी है हमारी, राज की, और हम दोनों जा रहे हैं। तो अभी कितने बजे गाड़ी अपनी? गाड़ी है 3:25 पर। 3:25 मतलब 3:30 ही बोल सकते अपन कि 3:25 पर हमारी गाड़ी है। और हमने रिजर्वेशन भी करवा लिया उसका, टिकट भी कन्फर्म है, और हम बैठेंगे शामगढ़ से। और आपको थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम यहाँ पहुँचे अभी गरोड़ से, ये देखे ऐसा दिख रहा, ये भी बॉम्बे के लिए जा रहा है और हम भी बॉम्बे जा रहे हैं। हर साल बॉम्बे जाता हूँ क्योंकि वहाँ का जो पर्व है बहुत फेमस है, गणेश चतुर्थी, जो कि वहीं से शुरुआत हुई थी, और हम लाल बाग के राजा के दर्शन करने जा रहे हैं। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वी आर सुपर एक्साइटेड कि हम बहुत मज़े करने वाले हैं, लाल बाग के राजा के दर्शन करने वाले हैं और बहुत मज़े करने वाले हैं। जय श्री राम। तो मिलते हैं दोस्तों, कौन सी बोगी है हमारी, कौन सी ट्रेन है, हम सारी इन्फॉर्मेशन सारी बताएंगे, और कौन सा खाते हैं हम, किन चीज़ों का पूरा ध्यान रखते हैं, आप वो सारा वहाँ अंदर बताएंगे बताने वाले हैं। तो अभी आवाज़ भी आपको सही साठ नहीं आ रही होगी क्योंकि हम बाइक पे है और हवा भी लग रही है। शामगढ़ पहुँच गए हम, देखिए क्या क्या लिया शामगढ़ से, हमने ये खाने का सामान है, स्वीट्स से कुछ चीज़ें ली है, दिखा दो इनको बाहर निकाल के। कुछ रबड़ी है उसके अंदर, और कुछ रबड़ी तो खाली रबड़ी नहीं है ये। तुम ये देखो ये काय का जूस है, पेपर बेड्स, देखिए ये लिए हमने, पल्पी ऑरेंज, और ये सारे लीची, स्ट्रॉबेरी, ये लीची, लीची सारी लीची, लीची लक्ष्मण जी खाने का है, ये कभी नहीं खाइए। वन ऑफ माई फेवरेट चीज इसके अंदर क्या है, वो है वाटर, ये तो है ही है यार। जो जन गाड़ी आ चुकी है हमारी, ये देखिए B3 हमारा कोच है, और 16:26 हमारी सीटिंग है। ये गाड़ी देखिए, चलो चलो, हमारी कोच देखिए बैठते हम, अच्छी दिलाता, लॉक नहीं करी वैसे, है ना, तो उसको अंदर रख लेना भाई। वैसे हम बैठ गए यहाँ पे, और सब बढ़िया, और नहीं मैं व्लॉग बना रहा हूँ भैया बोल रहे क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं व्लॉग बना रहे। तो अभी टीटी आया था तो श्री राम तो बाबूजी रोम रोम उद्घाटन कर लिया, दो जने ऐसे बैठे थे बिना टिकट के, रोम रोम में राम रोम रोम। हेलो दोस्तों, सुबह ही 4:00 बांद्रा स्टेशन पहुंच चुके हम, रात में निकल रहे धीरे धीरे बाहर, इसके अंदर से बाहर दिखा दूं। 4:00 दोस्तों, गाड़ी हमारी बांद्रा पहुंच गई है, यानी कि मुंबई। अब हम उतरेंगे नीचे, बांद्रा स्टेशन से होटल की तरफ जाएंगे हम, ग्रीन होटल, वो वहाँ फ्रेश व्रेश होंगे, ब्रश टूट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद चलेंगे अपन आगे। तो फिलहाल हम स्टेशन पे हैं ऊपर, देखिए बांद्रा स्टेशन के आसपास की जगह है और ये सुबह सुबह का माहौल है। हम ऑटो में बैठ के जा रहे हैं होटल, ये देखिए मीटर चालू हो गया हमारा, लोकेशन लगा दिया, लोकेशन लगा दिया हमने, और बाबूजी देखते हैं होटल में कितनी देर में हमें छोड़ देंगे। ग्रीन हाउस जा रहे हैं भैया होटल पे, ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे, 3 फ्लोर पर तो हम पहुँच चुके हैं। चैनल लगा हुआ यहाँ पे, ये खड़ा हूँ यहीं पे यार, आओ ना खोलो ना,
पहुंच चुके हैं यहाँ पे होटल के अंदर परसों तक। अभी यहाँ पे रूम खाली नहीं है, 6:30 बजे रूम खाली होगा, तो इतने में हम थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लेंगे। अभी होने वाला है रूम खाली क्योंकि सारे रूम बुक है, और हर होटल में जाएंगे तो सारी यही कंडीशन है, सारी होटलें फुल है। तो हम इंतज़ार करते हैं 1-1.5 घंटा। गणेश उत्सव चल रहा है अभी, गणेश जी उत्सव भी रहेगा, तो सारे लोग आए हुए हैं बाहर से यहाँ पे, तो कर लेते हैं इंतज़ार थोड़ी देर, 1 घंटे भर वॉकिंग करके आते हैं, उसके बाद फिर हमारा डेरा जमाएंगे रूम में। बताता हूँ मैं आपको आगे का, इसके अंदर मिलेगा अपने को रूम। देखिए आते हैं घूम के, चलते हैं यहाँ से बाहर। BMW खड़ी भाई, देखिए BMW कार, चलते हैं आगे। ये मेट्रो की लाइन दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए ठीक है, चलते हैं आगे भाई। ऑटो में बैठ गए हम और जू जा रहे हैं हम यहाँ से, जू चौपाटी जा रहे हैं। सुबह सुबह क्या करें, 1-1.5 घंटे बाद हमें रूम मिलेगा, तो हम कुछ भ्रमण कर लेते हैं बांद्रा का, यानी कि मुंबई का। ये हम पहुंच गए समुद्र के किनारे, समुद्र किनारे आ गए दोस्तों, और यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान भी है, और देखते हैं आपको दिखा दूँ मैं। देखिए अभी सुबह सवेरे का टाइम है, 5:30 बज चुके हैं, देखिए ये साहे, चलते हैं अब। और पानी की लहरें आ रही, देखिए और बाप रे, ये बिल्कुल हम समुद्र के किनारे पे है दोस्तों, देखिए। और यहाँ पे मिट्टी है, देखिए बालू रेत ही है, थोड़ा सा उजाला हो जाएगा ना, उसके बाद बहुत ही शानदार यहाँ पे दिखेगा। देखिए लहरें तो अभी भी दिख रही होगी आपको, ये दोस्तों ये जब आपको देखिए जो दूर दिख रहा ना, ये शिप खड़ा है देखिए बीच में, देखिए समुद्र में, और आवाज़ भी बहुत तगड़ी आ रही है यार। ये अभी रात में दिख नहीं रहा, बस 1 घंटे बाद अपने को दिखने लगेगा, थोड़ा सा उजाला हो जाएगा ना, उसके बाद अपने को यहाँ पे अच्छे से दिखने लगेगा। यहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे गणेश विसर्जन होगा, यहाँ पे इसी जगह पे। साफ सफाई चल रही है अभी, अभी देखिए साफ सफाई भी चल रही है, और 3 दिन और है अभी। देखिए फ्लाइट ये कार्यकर्ता लग रहे हैं सब यहाँ पे व्यवस्था में। एक फ्लाइट और दिखा दूँ मैं आपको, यार ऐसी आवाज़ आ रही है यहाँ पे इस पानी की जो लहर की, जैसे कोई अपन फैक्ट्री में खड़े हैं और वहाँ पे जो मशीनें चल रही है, दहा दूँ आंधा दूँ सब। एक और फ्लाइट, मतलब आपको बता दूँ मैं, हर 2 मिनट या 5 मिनट में फ्लाइट है यहाँ पे, देखिए। और यहाँ से इसके समुद्र से ऊपर गुजरती हुई निकलती है। अब चलते हैं आगे, मैं जा रहा हूँ समुद्र के अंदर, देखिए फ्लाइट जा रही है दोस्तों, देखिए बहुत तेज लहर है यार दोस्तों, देखिए बहुत तेज पानी है पीछे, कुछ भी नहीं है सारा, और श्रीलंका आ जाती है फिर आगे जाता जाएंगे। ये यहाँ तक पहुँच गया दोस्तों पानी, देखिए डॉगी देखिए मजा ले रहा समुद्र के लहरों से, देखिए ये ओए, क्या करे, चला जा। सुबह सुबह का टाइम पास कर लिया इसने कि अंदर नहीं चला जाए ज़्यादा गहरा। वही आया समुद्र के किनारे घूमने आया है, देखिए घूम भी लिया है, फोटो शूट हो रहा है, मजा ले लिया। इधर आ जा वही, इधर आ जा देख लो, चलिए भैया लक्ष्मण जी यार, क्या इसकी छनी, अरे घूम लिया कूद लिया 3-4 बार यार, और क्या कूदे, ज्यादा कूद लेगा तो पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे क्या।
दोस्तों देखिए सुबह सुबह का समय है और यहाँ पे समुद्र किनारे बहुत सारे लोग आते हैं जो प्राणायाम करने आते हैं और अपन भी कर सकते हैं, चाहे कोई भी अदर व्यक्ति भी आके इसमें प्राणायाम कर सकता है। तो बहुत अच्छे तरीके से प्राणायाम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये आदमी दाना पानी की व्यवस्था में लगा हुआ है पक्षियों के लिए। कुछ पक्षी आए हुए हैं और कुछ आ भी रहे हैं उड़ उड़ के। ये देखिए बहुत अच्छी सेवा है, ऐसी सेवा तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत ही शानदार सुबह सुबह देखने को मिला। भैया देखिए अब प्रॉपर तरीके से उजाला होने को आया, अब और भी मजा आएगा देखने को। देख ये देखिए थोड़ा सा उजाला भी होने लगा और ये पक्षी आए हो यहाँ पे गाना खाने के लिए। इतना शानदार लग रहा है देखिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे आंटी आई हुई है कुत्तों के साथ में जॉगिंग पे आई है और इनके हाथ में दो तीन चार नस्ल के डॉग है और ये घूमने आई है यहाँ पे, इनको भी घुमा रही है डॉगी को। हाय हेलो। ये देखिए भाइयों अब अपने को प्रॉपर तरीके से आगे तक दिखाई दे रहा है, पानी की लहरें दिखाई दे रही है और ये पीछे भी दिखा दूं मैं आपको। देखिए बहुत सारी जगह है यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, वॉकिंग करने के लिए आते हैं। यार हर एक दो दो मिनट एक एक मिनट में यहाँ से फ्लाइट गुजरती है और हम समुद्र के किनारे यहाँ पे पास में रोड निकला हुआ है, यहाँ आ गए हम। अब यहाँ से एक टेम्पो करेंगे और होटल जाएंगे। अब दिखाता हूँ मैं आपको अगला। अब कहाँ चल रहे हैं अपन राजवी? बांद्रा। अब जा रहे हैं हम यहाँ से होटल जाएंगे नहा धो के, फिर मैं ये वीडियो बस यहाँ तक ही रहेगा फ्रेंड्स। अब अगला वीडियो बहुत ही जल्दी डाल रहा हूँ मैं, उसको देखना आप, बहुत ही मज़ा आने वाला है। टेम्पू से पहले बस आ गई इसलिए हम बस में बैठ गए, सिटी बस है। ये आ गया हमारा स्टॉप शांता ग्रूर। ये पहुंच गए हम होटल ग्रीन और चाय वाय पी के तैयार हो जाते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। अगला दिखाने वाला हूँ मैं आप।